हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। और आज बहुत दिनों बाद मैं एक और ब्लॉगिंग लेके आई हूँ। और आज हम लोग आए हैं बेंगलोर के सिट्रिन होटल में। यहाँ पे मेरे हस्बैंड के कलीग का बेटा जो 1 साल का हो गया है, तो उसी के बर्थडे पे हम लोग आए हैं यहाँ पे। तो आते ही बहुत अच्छा डेकोरेशंस था और बहुत दिनों बाद हम लोग ऐसे गेट टुगेदर हुए हैं, बहुत लोगों के साथ मिले, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़ोटोशूट चल रही है, तो मेरे बेटे को भी मैंने भेज दिया क्योंकि वैसे वो किसी के साथ में फट से मिलता जुलता नहीं है। तो यहाँ पर मैं कोशिश कर रही थी कि ताकि बाकी बच्चों के साथ भी वो अच्छे से मिले। तो अभी यहाँ पे केक कटिंग की भी तैयारी हो रही है, तो बस और बाद में मैं आपको और दिखाती हूँ क्या क्या है खाने में और कैसा है। तो बस बने रहिए मेरे ब्लॉगिंग के, और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू। हाँ, ऐसे रुकिए, ऐसे रुकिए, आपके भाई के साथ पापा पापा टर्न टर्न फोटो ले लेंगे। जा जा चलो जा चलो जा तो चलिए अभी आप लोगों को ले चलती हूँ खाने के सेक्शन में। तो यहाँ पर आते ही आप देख सकते हैं सूप था, बहुत ही अच्छी थी सूप, मेरे बेटे को भी बहुत पसंद आया। उसके बाद में यहाँ पे थी स्टीम राइस, चिकन बिरयानी, फिर चिकन कड़ी, फिर फ्राइड राइस, और वेज वालों के लिए भी वही वेज आइटम दाल मखनी, पनीर, और डेजर्ट में भी बहुत कुछ था। अच्छा, गोभी मंचूरियन ये भी था स्टार्टर में, गोभी मंचूरियन था। अब मैं ज़्यादातर भूल भी रही क्योंकि एक दिन पहले खाया और आज इसके ऊपर वॉइस ओवर कर रही हूँ। अच्छा, तो उसके बाद में जो डेजर्ट था, डेजर्ट में फ्रूट कस्टर्ड, गुलाब जामुन, आइसक्रीम और केक तो था ही, फिर सैलड भी था, बहुत सारा सैलड था। तो अभी मेरे बेटे को मैं लेके जाऊंगी, तो उसको जो भी पसंद होगा हम लोग ले लेंगे, और कोशिश करूंगी कि वो अपने हाथों से ही खाए जो भी खाए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग ये सूप ले लेंगे। मैंने पहले सोचा था एक ही बाउल लेती हूँ, पर मेरे बेटे ने बोला कि नहीं मेरे लिए भी ले लो, तो देखती हूँ कि वो पर हाँ, मुझे अच्छा लगा कि इसने खाया अपने हाथों से फर्स्ट टाइम, और उसको अच्छा भी लगा ये सूप। बाद में इसने केक भी फर्स्ट टाइम ट्राई किया, केक भी उसको बहुत अच्छा लगा था। जितना हो सकेगा मेरे से मैं यहाँ पे वीडियो लेने की कोशिश करूँगी। थोड़ा सा ऑकवर्ड भी फील हो रहा है सबके सामने में कैमरा लेके घूमने के लिए। तो बस बने रहिए आप वीडियो पर, आप लोगों के लिए मैं कोशिश करूँगी जितना हो सके वीडियो कैप्चर करूँ।
केयरफुल मैं कब से बोल रही हूँ। तो जैसे मैंने बताया था कि मैं ज़्यादातर खाना जो है खाने का मैं वीडियो लेना भूल जाऊंगी, तो मैं वैसा ही हुआ, मैं भूल गई। और जब भी मैंने खाना ख़त्म किया तभी मुझे याद आया कि मैंने वीडियोस नहीं लिया। ठीक है, तो उसके बाद में हम लोगों ने डेजर्ट वेजर्ट खाया, उसके बाद में कुछ फ़ोटो वोटो खिंचवाए और सीधा चल दिए घर पर। तो आज की ब्लॉगिंग यहीं तक की थी। अच्छी लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू गाइज़।